आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल गौड़िया स्थित अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में स्थापित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 12 फुट की खास प्रतिमा का बटन दबाकर किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। जंगल कौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉलेज परिसर में किया पौधरोपण, दिया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में वांछित एक और अभियुक्त 1 लाख के इनामी मुख्य आर्ची कमलेश सिंह यादव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक हो चुकी है 5 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, एक अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से है दूर। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी एक और शिक्षा के मंदिर की सौगात। 30.35 करोड़ की लागत से निर्मित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया का बटन दबाकर किया लोकार्पण। कहा, पूर्व के सरकार में बंद विकास के रास्तों को 2017 से बीजेपी सरकार ने खोला, अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है अग्रसर। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जंगल कौड़िया स्थित अवैधनाथ राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रचार कक्ष में जन प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, शिक्षकों के सम्मेलन कराने के दिए निर्देश। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के शक्ति पीठ में चल रहे पूजा के अष्टमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से मां महागौरी की आराधना, उतारी मां जगदम्बिका की आरती, किया गया विधिवत हवन, तत्पश्चात हुआ प्रसाद का वितरण। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री को संबोधित पोस्टकार्ड बधाई संदेश भेजने के लिए गोलघर डाकघर में अलग से की गई है विशेष लेटर बॉक्स की व्यवस्था। लोग 50 पैसे के पोस्टकार्ड से भेज रहे हैं जन्मदिन के संदेश। पर्यटन विभाग द्वारा राष्ट्रीय योजना अंतर्गत 76.96 लाख से कालीबाड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। मां दुर्गा की उतारी आरती, की गौ सेवा, विजयदशमी की दी बधाई, कहा, मंदिर के सौंदर्यीकरण से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर जिला आपदा प्राधिकरण के तत्वाधान में गुरुवार को सदर तहसील के सभागार में आयोजित हुआ गोष्ठी, आपदा के न्यूनीकरण पर की गई चर्चा बनी रणनीति। गोरखपुर की एक ही आस रविंद्र दास, कालीबाड़ी मंदिर के हाल में लगा पोस्टर, रविंद्र दास पर सदर सांसद ने उठाया सवाल, मुख्यमंत्री ने दिया जवाब, कहा, सचेत हो जाए जनप्रतिनिधि, पोस्टर लगाने में माहिर है रविंद्र दास महाराज। शारदीय नवरात्र पर महानगर में जगह जगह स्थापित हुई दुर्गा प्रतिमाएं, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने की मां की पूजा अर्चना। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए धर्मशाला बाजार की दुर्गा प्रतिमा पंडाल से हमारे संवाददाता पूजा वर्मा की विशेष रिपोर्ट। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 66 केंद्रों पर 7,623 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। प्रथम डोज लेने वालों में 3,883 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 3,740 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। उप जिलाधिकारियों को जिला मुख्यालय पर प्रत्येक सोमवार को बैठकर न्यायिक कार्य करने की अनुमति को लेकर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन, कहा, लागू हो पुरानी व्यवस्था। और प्रधान डाकघर गोलघर में बुधवार को मनाया गया फिलेटली दिवस। आजादी के अमर शहीदों पर आधारित डाक टिकटों की लगाई गई प्रदर्शनी, बच्चों को दी गई डाक टिकटों की जानकारी।